एक बार फिर से हम लोग अपने आगे के जो बचे हुए पार्ट थे इस चार्ज के उसमें डिस्कस करेंगे। और प्लीज आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बटन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे, इस पे शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे बच गए थे, उन पॉइंट्स में थोड़ा सा डिस्कस कर ले आपसे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि जो चार्ज होता है अगर उनके चार्ज वो सिमिलर नेचर के हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यही कंडीशन यहाँ भी है, निगेटिव निगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, इन निगेटिव चार्जेस की वजह से भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यानी जब चार्जेस जो है वो सिमिलर नेचर के होते हैं तो उस कंडीशन को एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यही कंडीशन ये नीचे वाले में आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव नेगेटिव यानी डिसिमिलर नेचर इनका या अपोजिट नेचर के हैं तो अपोजिट नेचर होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिये यहाँ पे आपके लिए पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सही टेस्ट है हम रिपल्सन के थ्रू करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो अट्रैक्शन का केस है वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, अगर मान लीजिए कोई एक अनचार्ज बॉडी हम कंसीडर करते हैं तो ये अट्रैक्शन इनके बीच में भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये बन जाती है कई बार कि अगर मान लीजिए बहुत ही सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं और एक चार्ज जिसका अमाउंट काफी ज्यादा हो और दूसरे का बहुत छोटा हो और ये दोनों एक दूसरे से नजदीक हो तभी ये कई बार क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करने लगते हैं। इसीलिए जो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो हम लोग किससे करते हैं, रिपल्सन से। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन का सही टेस्ट क्या है, रिपल्सन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जब बात किए थे चार्ज में तो उसमें वहां पे ये हुआ था कि जो चार्ज होता है वो आपका ट्रांसफरेबल होता है, मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो अगर ये किसी अनचार्ज बॉडी की कॉन्टेक्ट में आएगी तो यहाँ से जो भी इसके निगेटिव चार्जेस होंगे इसको ये अट्रैक्ट करेगी, यानी इसके पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसी तरह से दूसरी बॉडी आप कंसिडर करते हैं जिसमें इसके पास निगेटिव चार्ज है तो इस कंडीशन की अपना चार्जेस अनचार्ज बॉडी को देती है। तो हमने बात करी थी कि इसमें हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एक तो फ्रिक्शन होता है, दूसरा इंडक्शन होता है और तीसरा आपके पास कंडक्शन होता है। तो इन तीनों में से हम दो पे चर्चा कर चुके हैं, यानी हम लोग फ्रिक्शन पे बात कर चुके हैं और फ्रिक्शन के अलावा दूसरा जो मेथड है कंडक्शन उस पे भी बात हो चुकी है। अब तीसरा एक मेथड बच गया था, हमने कहा था कि हम बात डिस्कस करेंगे इसको, वो था इंडक्शन। इंडक्शन में क्या है कि मान लीजिए कोई एक अनचार्ज बॉडी है, इस अनचार्ज बॉडी को जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास रखा जाता है, मींस पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के काफी नजदीक जब लाई जाती है तो ये क्या करती है कि किसी अनचार्ज बॉडी से जो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है कि जो अनचार्ज पार्ट होता है, अनचार्ज बॉडी होती है, उसमें से हाफ पोर्शन इसका क्या हो जाता है, निगेटिव, और बाकी का हाफ पोर्शन क्या हो जाता है इसका, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के काफी नजदीक लाने में इसका हाफ पोर्शन जो हो जाता है वो निगेटिव, बाकी का हाफ पोर्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो इस फिनोमेना को ही आप क्या बोलते हैं, इंडक्शन। यानी किसी भी चार्ज बॉडी के थ्रू आप इस अनचार्ज बॉडी के हाफ सेक्शन को निगेटिव, हाफ सेक्शन को पॉजिटिव कर देने का ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को आप बोल रहे हैं इंडक्शन। अब यहाँ आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है उसको अर्थ कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है जहां तो ये नेगेटिव रहेगा, अर्थ करने में उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये केवल नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। इस तरह की फिनोमेना हो रही है, इनको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ, हटाते हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट इज द कूलम्ब्स लॉ।
कोलंब्स लॉ पे बात करते हैं तो कोलंब्स लॉ जो है ये टोटली एक्सपेरिमेंट पे बेसिस था यानी ऑब्जर्वेशन पे बेसिस था, इसको कहीं से डिराइव नहीं किया गया था। कोलंब्स लॉ को कहां अप्लाई किया जाता है, इसमें होता क्या है कि आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी रेस्ट ऑफ चार्जेस के लिए दो चार्ज हूं दो पॉइंट चार्ज और ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में हूं, तो इस कंडीशन में इनके बीच में हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है और इसी को हम बोलते हैं कोलंब्स लॉ। कोलंब्स लॉ ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट कंडीशन में है तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है और डिसिमिलर नेचर यानी जो रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। मान लीजिए एक का चार्ज यहाँ पे क्यू है दूसरे पे चार्ज क्यू नॉट है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर यहाँ पे आर कंसिडर की जाए, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन बेसिस ये कहता है आपको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से मिलती है कि इनके बीच एक्ट करने वाला जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनटू क्यू नॉट। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वन बाय आर स्क्वायर यानी दिस वन बाय आर स्क्वायर। थर्ड ये कहता है एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन चार्जेस के बीच में नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है द फोर्स ऑलवेज एट along the line joining these two charges point line joining this point। इनके जो पॉइंट्स हैं इनको आप जब को करेंगे तो ये इसी के लाभ होंगे या तो इधर होंगे या तो दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, मींस इसी लाइन के अलावा होंगे ये फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर सबको कंबाइंड किया जाए, अब दूसरी बात एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं फोर्स इज रिपल्सिव नेचर, फोर्स इज ऑफ रिपल्सिव नेचर एंड दिस वन इज आल्सो ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर का कब होगा ये, दिस विल बी हैव द अट्रैक्टिव नेचर व्हेन अपोजिट चार्जेस, चार्जेस अगर अपोजिट हैं तो ये अट्रैक्टिव नेचर शो करेगा। इफ दिस विल हैव अ सिमिलर चार्ज तो यहां पर ये रिपल्सिव नेचर करेगा। तो बाकी सबको कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो आफ्टर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा दिस एफ इज प्रोपोर्शनल टू दिस क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। एंड जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप अप्लाएंगे तो एफ इज इक्वल टू ए क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये यहां पे क्या है, ए कोई कांस्टेंट है, ए इक्वल टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम लोग जो पुट करते हैं वो रखा जाता है। सर एक और चीज यहाँ रहेगी वो है इसका मीडियम के, तो यहाँ से इक्वल टू क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू नॉट बाय के आर स्क्वायर। के यहाँ पे इसको बोलते हैं के इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आर इसको स्पेसिफिक आर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। तो यहां से वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। के जो है इक्वल टू वन लिया जाता है फॉर वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस
इस्तेमाल हो रहा है वो है साइलेंट नॉट। अब इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। अब साइलेंट नॉट को अगर देखें आप तो साइलेंट नॉट को हम बोलते हैं साइलेंट नॉट दिस इज इक्वल टू परमिटिविटी। अब साइलेंट नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं। अब ये जो कॉन्स्टेंट आपका है 1/4πε0 एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 1/4πε0 एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू 9×10⁻¹ होती है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है, तो 9×10⁻¹ ही आप इसमें यूज करेंगे। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है उसको कई बार कंसिडर किया जाता है 8.85×10⁻²⁻¹² फैराड पीको फैराड पीएफ पर मीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट 8.85×10⁻¹² पीको फैराड पर मीटर। यहां से बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डायमेंशन इसकी बहुत पूछी जाती है साइलेंट नॉट की यानी परमिटिविटी की। तो इसकी डायमेंशन और बाकी चीजें भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हमको इसको निकालते हैं। अच्छा, ये जो कि फोर्स है तो फोर्स आप जैसे मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि फोर्स आपका जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, वैसे भी यहाँ भी इसकी यूनिट न्यूटन होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा फिलहाल बात कर लेते हैं इस परमिटिविटी के बारे में, बता रहे हैं इसको। देखिए ये जो परमिटिविटी है अगर साइलेंट नॉट होता है तो वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ली जाती है, और परमिटिविटी अगर ऐसे लिखा हुआ तो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। And when k is equal to 1, then epsilon equal to epsilon naught. Epsilon आपका जो है epsilon naught के equal हो जाता है। तो ये कब होता है? For free space and air. Free space और air की condition में आपका epsilon equal to epsilon naught के equal हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका ये है कि हमें फाइंड आउट करना है इसकी डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन की दोनों परमिटिविटी ही है, इसकी डायमेंशन निकालनी है एंड इसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों में फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग इसमें से। देखिए आपने लिखा एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 q×q0/r². तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे k जो है उसको बंद कर दिया गया क्योंकि साइलेंट नॉट फ्री स्पेस के लिए है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 q×q0/r². तो यहाँ से हमें क्या निकालना है साइलेंट नॉट। तो अब साइलेंट नॉट अगर आप यहाँ से फाइंड आउट कर दें तो हो जाएगा q×q0/r². देखिए q आपका जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है कूलम्ब। यहाँ से हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो जो न्यूटन मीटर होता है वो किसके बराबर हो जाएगा जूल के। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर जूल इनटू मीटर। और जूल आपका किसके इक्वल होता है जे इज इक्वल टू होता है कूलम्ब इनटू वोल्ट के। कूलम्ब इनटू वोल्ट को आप इसकी जगह पुट अप कर लेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर by C into V into meter, C से C cancel out, यह गया कूलम्ब पर वोल्ट मीटर। अब कूलम्ब पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फैराड। कूलम्ब पर वोल्ट को F से रिप्रेजेंट करते हैं फैराड। तो यूनिट आपकी आ गई क्या फैराड पर मीटर। इसकी जो यूनिट हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे वो होगी क्या इस एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन की फैराड पर मीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज बनती है वो ये कि आप इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो ये क्या है यहाँ से ये दोनों क्यूब है यानी कि चार्ज है। तो चार्ज आप लिखते हैं तो
तो उसकी यूनिट हो जाती है एट ही, ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों कूलम है, कूलम कूलम, और एफ यानी फोर्स है, तो ये हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू, और ये आपका आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर और हो जाएगा। तो यहां से ये मिल जाएगा आपको एम पावर माइनस वन, एल का पावर थ्री है तो हो जाएगा एल पावर माइनस थ्री, टी का पावर माइनस टू, यहाँ ऊपर जाकर कितना हो जाएगा टी टू द पावर फोर एंड ए टू द पावर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एम पावर माइनस वन, एल पावर माइनस थ्री, टी पावर फोर एंड ए पावर टू। तो इस तरीके से हम लोग इसकी डायरेक्शन और वो दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये तो रहा गुलाम का, गुलाम सलाह बहुत जो ध्यान देने वाली बात यह है, गुलाम सलाह हमेशा उन पॉइंट चार्जेस के लिए ही रखता है जो स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, और चार्ज कैसे होने चाहिए आपके पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज और स्टैटिक कंडीशन दोनों इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर ये होती तब आप गुलाम सलाह को फॉलो करेंगे, गुलाम सलाह जो है उसी समय आप लगाएंगे। तो यहाँ से कुछ हम इसकी सिमिलरिटीज, इसके कुछ कंक्लूजन देखते हैं, तो क्या कंक्लूजन निकलते हैं, कंक्लूजन पहली चीज आपने देखा कि जो ये कूलम्ब्स लॉ है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एंड रेस्ट कंडीशन, पॉइंट चार्जेस एंड रेस्ट कंडीशंस के लिए, पॉइंट चार्जेस एंड रेस्ट कंडीशंस के लिए जो है ये एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात यहाँ पे अगर इसको देखिए तो दिस वन हैव द सिमिलरिटी विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ये क्या सिमिलरिटी शो करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप निकालते हैं इसकी वो होते हैं फॉर्मूला होता है आपका जी एम ई मास ऑफ अर्थ इनटू एनीथिंग दैट हैव अ सैटेलाइट या कुछ भी जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, और ये उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। मान लीजिए जैसे अगर ये अर्थ है, अर्थ से हम किसी चीज को देखें और उसकी डिस्टेंस आर बी पॉइंट बी पे, यहाँ पे मास एम है, तो इस कंडीशन में इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो एफ जी होगा, और एफ जी की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, जी एम एम मान आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ से बहुत जो चीज ध्यान देने वाली वो ये है कि अगर आप एफ जी और एफ ई दोनों को देख रहे हैं तो इन बोथ द केसेस एफ जी और एफ ई आप ये पाएंगे कि जो एफ ई होता है दिस वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी अगर आप दोनों फोर्सेस को एक साथ यूज करते हैं तो उन कंडीशंस में आप एफ जी को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, एफ जी को आप नेगलेक्ट ना करें, ठीक है। अगर आप इन दोनों का रेशियो देखें तो आप जो एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई होगा वो होता है 10 टू द पावर माइनस 43, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो तो आप दोनों नेचर शो करता है, मीन्स कूलम्ब फोर्स आपका जो है, कूलम्ब्स फोर्स आपका दोनों नेचर शो करता है, मीन्स अट्रैक्टिव नेचर भी शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर भी शो करता है और रिपल्सिव नेचर भी शो करता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर शो करता है। लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा नेचर शो करता है, ग्रेविटेशनल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर ओनली। दूसरी बात कि जो आपका कूलम्ब फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो कूलम्ब फोर्स आपका जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये कूलम्ब फोर्स है, क्योंकि ये दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है मीडियम पे। और आपने देखा कि 1/4πε0k यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k है, यानी जैसे जैसे अगर आप मीडियम को बढ़ाते हैं तो ये क्या होगा, इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है डिक्रीज कर जाता है, और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की कंडीशन ये है कि उसके बीच में वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो
this is independent from any medium, किसी भी medium से ये पूरी तरीके से independent होता है। चलिए अब अगर इसकी next इनके इसके characters, इसके जो हम लोग properties discuss कर रहे हैं कूलॉम्ब फोर्स की, उसके बारे में next बात करें तो next बात ये है कि ये action reaction law को follow कर रहा है। एक्शन रिएक्शन लॉ को अगर फॉलो करने की बात करें तो मान लीजिए हमने ये कहा कि देयर आर टू चार्जेस, एक पॉजिटिव है आपका मान लीजिए क्यू ए क्यू नॉट, तो ये दोनों चार्ज अगर जितना फोर्स ये इस चार्ज पे लगाता है ठीक उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाता है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि इनके एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस जो होगा एक फोर्स का दूसरे पे दूसरे का पहले पे वो क्या होगा सिमिलर होगा, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात फोर्स कंजर्वेशन की बात आती है, फोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई भी चार्ज है और वो एक क्लोज लूप में चल रहा है, क्लोज साइकिल कंप्लीट करता है, मान लीजिए वो चार्ज क्यू है यहाँ से मूव करना शुरू करता है फाइनली यहाँ आ जाता है, इसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो, तो वर्क डन आपका जो जीरो है तो उसके थ्रू जब आप निकालेंगे तो इसका मतलब है इसमें लगने वाला फोर्स क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा, उस फोर्स के थ्रू ही आप फाइनली निकाल रहे हैं इसका वर्क डन, तो इस क्लोज लूप में एक साइकिल अगर कम्प्लीट करता है तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। बाकी की जो प्रॉपर्टीज है हम लोग एक और डिस्कस कर लें, एक और इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स में कूलॉम्ब फोर्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो कूलॉम्ब फोर्स अगर किसी दो उसके बीच में लग रहा है मीन्स इफ देयर आर टू चार्जेस और इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आर है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ ही मान लीजिए, तो इनके बीच में अगर कहीं भी कोई अगर अंदर चार्ज यूज कर रहे हैं आप, यानी अगर फोर्स किसी दो चार्ज के बीच में निकाला जा रहा है उनके बीच में कोई तीसरा चार्ज रखा जाए तो इस पे लगने वाले फोर्स का कोई इफेक्ट इस चार्ज का नहीं आता है, मींस दिस फोर्स इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज दैट इज इन बिटवीन दीस टू चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट, इनके बीच में अगर कोई चार्ज पुट अप करते हैं तब भी इनके और इनके बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी लगने वाला फोर्स आपको क्या मिलेगा वही मिलेगा जो पहले था, तो मैंने पांच फोर बाय एप्सिलॉन आर क्यू इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही आपकी इसके कूलॉम्ब्स लॉ के बारे में। अब इसी चीज से हम लोग थोड़ा सा एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखिए आप फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स फॉर फ्री स्पेस अगर आप निकालेंगे सॉरी यहां से तो इसको आप लिख सकते हैं एफ नॉट एंड दिस इज 1 upon 4 pi epsilon naught q into q y r square, and for any medium if the force is F this is 1 upon 4 pi epsilon q into q naught y r square, तो यहाँ से अगर आप करें इस F naught by F then this will be equal to, अब देखिए ये just opposite है इसके, यहाँ से हो जाएगा epsilon upon epsilon naught and this will be equal to k and this will be equal to epsilon r, ये तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज द परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम, और ये आपका क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से परमिटिविटी ऑफ सॉरी फोर्स ऑफ एनी मीडियम अगर आप देखें तो फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, यानी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस आपका जो मीडियम का फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा 1 बाय के टाइम्स होगा, means this always decreases, यानी अगर किसी मीडियम के लिए फोर्स निकाल रहे हैं तो वो फोर्स आपका उसके फ्री स्पेस वाले फोर्स से क्या होगा हमेशा कम आएगा, तो इस तरीके से आप इन चीजों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये रहा आपका मिलाकर के कूलॉम्ब्स लॉ जिसके बेसिस पे हम लोग सारी बातें कर रहे थे, इस तरह से चार्ज का जितना भी सेक्शन है वो अब खत्म होता है यहीं पे, बाकी के इसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उस पर बात करेंगे और वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। तो इतना हो गया है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। I feel love when I look into your eyes, I believe.